अब तुम आजाद हो, मैं अपनी जमानत पे तुम्हें छोड़ रही हूँ। इतनी मेहरबानी क्यों? क्योंकि मैंने असली गुनहगार को पकड़ लिया है। अच्छा चलो, कोई तो ऐसा आया जो असली को पकड़ रहा है। तुम दुनिया से इतने नाराज क्यों हो? हर वो इंसान जो थोड़ा बहुत सोच सकता है वो बस नाराज ही तो हो सकता है। कितनी गंदगी भरी पड़ी है इस दुनिया में। बात तो तुम्हारी सही है, पर थोड़ा ध्यान अपने ऊपर भी दिया करो। क्या हाल बना के रखा हुआ है, थोड़ा नहा धो लिया करो, गुंडे लगते हो तुम। मोर घर कम चौकी में ज्यादा रहवे। सही कह रहे तो। अरे गांव के कुछ लोग ये भी कह रहे इस बार तो उसने प्रधान का माल भी पकड़वा दिया। हाँ भाई सुना तो है, इसीलिए तो चौकी की मैडम ने उसे छोड़ दिया। अरे भाई ये मोर भी है ना, प्रधान से गलत दुश्मन नहीं ले रहा। देखो भैया, ना मोर कम ना प्रधान कम, वो तो भगवान ही जाने क्या होना। क्या हाल बना के रखा हुआ है, थोड़ा नहा धो लिया करो, गुंडे लगते हो तुम। मैडम उस्ताद, मैं हूँ अजब। अजब किधर जाए? नाश कर दिया सारा। मैडम ये मोर क्यों छोड़ दिया आपने? ये फिर लोगों से मारपीट करेगा, गांव का माहौल खराब करेगा। यू नहीं, ऐसा नहीं होता, हर आदमी पूरी तरह गलत नहीं होता। सही कह रहे मैडम, और तू ज्यादा सलाह मत दिया करे। अगर तेरी सलाह सही होती ना, आज तू दरोगा होता। और अगर तू सलाह देने लायक होता ना, तो तू भी दरोगा हो जाता, पर तू तो रहेगा चमचे का चमचाई। राम राम दरोगा मैडम जी। राम 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 दरोगा मैडम, आप गांव का माहौल खराब कर रही है। ऐसा क्या किया प्रधान जी मैंने? आपने मोर को छोड़ दिया। देखो प्रधान जी, मैंने जो कुछ किया है कानून के दायरे में रह के किया है। ये कैसा कानून है मैडम, मुजरिम बाहर घूम रहा है, ऐसे ही तो बदमाशों के हौसले बढ़ते हैं। प्रधान जी वो मुजरिम नहीं है, उस झगड़े के असली दोषी पकड़े गए और उन्होंने कबूल भी किया है, उसमें मोर का कोई दोष नहीं था। अब तो मुझे उस मुजरिम की तलाश है जिसके लिए ये लोग काम करते हैं, और बहुत जल्द वो भी हमारी पकड़ में होगा। अच्छा देखता हूँ मैं भी कितना पकड़ोगी। आज तो तुम्हें थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्या होया भाभी? आज साहब नहाए धोए हैं, कई जोड़ी लत्ते निकाल रखे हैं, अभी तो ट्राई चल रही है। अच्छा ठीक है। एक काम करते, बैठ जाते, केक का चलेंगे, उस्ताद का गर्म गर्म का चल जाओ। आगे उस्ताद, यो क्या कर लिया? बिजली गिर जाएगी आज, कोई ना कोई मर जाएगा उस्ताद। हाँ उस्ताद, आज तो अजब सिंह भी सही कह रहा। अच्छा चलो उस्ताद। बदबू आ रही है, कभी कभी नहा लिया करो। हाँ उस्ताद, आज तो बदबू आएगी। वो क्या कहते हैं, फॉलो मी। गजब बीड़ी देना उस्ताद। लो गजब गजब। हाँ उस्ताद, राधे के से 15 समोसे पकड़ ले। ठीक उस्ताद। हाँ बीड़ी लगा ले। बीड़ी तो बुझ गई उस्ताद। मैडम जी कल रेड मार के तो आपने बहुत अच्छा किया।
अभी तो देख ना करती क्या क्या हूँ। मैडम आपको डर नहीं लगा रिवॉल्वर लेके सबसे आगे आगे दौड़ लिए? अगर फर्ज के लिए जान भी चली जाए तो क्या गम है? मैडम फर्ज और ईमानदारी वगैरह के लिए तो मेरा भी रिकॉर्ड रहा है। ओ बालियान, ईमानदारी में आदमी नीचे जाग रहा है ऊपर को। तूने मेरे स्टार और मेरा रोब नहीं देखा? अरे स्टार तो तेरे उड़ लिए, रोब तेरा देख रहा हूँ। मैं तेरे से भी ज्यादा होलिया क्या? क्या चमचा? ओ बालियान, ओ सिराई। बात है मोर, आज तो बड़े चमक रहे हो। हाँ, रिजा मैडम आपके यहाँ कुछ लोग कहते हैं मैं नहाता नहीं धोता नहीं, थोड़ा नहा धो लिया करूँ, तो आज मैं नहा लिया और कपड़े भी बदले हैं। अरे अरे वो तो बात ठीक है मोर, पर एक बात तो बता, आना कैसे हुआ? हाँ वो तो मैं भूल ही गया, मुझे कल का पता चला है कि आपकी मैडम ने बड़ा अच्छा काम किया है, वो कुछ भट्टी वट्टी पकड़ी हैं, बड़ी खुशी हुई कि कोई तो ऐसा आया जो इन भट्टी वगैरह पे भी लगाम लगा सकता है, और इस खुशी में मैं वो अजब गजब राधे के समोसे और कोल्ड ड्रिंक लाया हूँ, ला ना। हाँ दे दे, सब लोग खाओ, मोर आज बहुत खुश है, ठीक है ना? और हाँ मैडम को बता देना जब मोर नहाता धोता है तो कैसा हो जाता है। मैडम खा ले क्या? तेरा टोरा गजब का तू छोरा, यो दिल तेरे पे पागल हो रहा। हायर तेरा टोरा गजब का तू छोरा, यो दिल तेरे पे पागल हो रहा। तेरे आगे लागे सारे जीरो है, हाय तू मेरा हीरो 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 है, हाय हाय। चूड़ा तेरे नाम का हो, गले में हो हार, मांग में सिंदूर भर पड़ो तेरी नार, देख ले बड़ा कमन अपनी तो यार, करूंगी गुलामी ओटू नखरे हजार, देख ले बड़ा कमन अपनी तो यार, करूंगी गुलामी ओटू नखरे हजार, एक हाक में खड़ी मिलूंगी तेरे रे, हाय तू मेरा हीरो है, हाय तू मेरा हीरो है, हाय तू मेरा हीरो है, तेरी असमाई जहार कर से, जानू सु के तू भी मन प्यार कर से, तेरी असमाई जहार कर से, दोनों की कति अलग लगेगी जोड़ी रे, हाय हाय तू मेरा हीरो है, हाय तू मेरा हीरो है, हाय तू मेरा हीरो है, क्या हुआ प्रधान जी, बात हुई तो बात लगी।
मैंने सब जगह कोशिश करके देख ली, मंत्री जी से ही बात करके देख ली, मगर इसका तबादला नहीं होगा। क्यों? ये मैडम बड़े घर से ताल्लुक रखती है, इसकी पीठ पर आला अधिकारियों का हाथ है। अब क्या होगा प्रधान जी? इसका इलाज तो जरूर करना होगा, क्योंकि इसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। उसे जब ही तो पता चलेगा कि उसने बाबूलाल से पंगा लिया है। पर प्रधान जी, अगर हमारे आदमी ने जुबान खोल दी तो हमारे लिए तो बहुत बुरा हो जाएगा। उससे पहले मैं उसकी जवानी बंद कर दूंगा। वो कैसे? गोल्डी, अभी मेरा आखिरी हथियार बाकी है कालिया, उसे ही फोन लगाता हूँ, वही इसका इलाज करूंगा। कैसे मिलूं? पता नहीं वो कहाँ होगा। चलो गांव में राउंड लगा के आती हूँ। सुरजीत जी। जी मैडम। गाड़ी निकालो, चलो गांव चलते हैं राउंड मारने के लिए। ठीक है मैडम। सुरजीत जी। जी मैडम। सुनो, बुलेट की चाबी ला दो, मैं अकेली चली जाऊंगी। यस मैडम। भारती भाभी के बारे में सोच रहे हो? चल पागल मारूंगा। अच्छा उस्ताद, अब तो आपको पता भी नहीं चलता हम पास आए के खड़े हो जाएं। पहले दूर से पहचान ले बेटे, अजब गजब। अरे तो अब नहीं पहचान रहा क्या? कहाँ पहचानना उस्ताद जी, सोच तो मैडम के बारे में रहे हो। गजब, मैं अंधा हूँ, लाचार हूँ, भावनाओं में बहकर हमें किसी की जिंदगी खराब करने का कोई अधिकार नहीं है, समझ गए ना? चलो यार गांव में चल रहे हैं, यहाँ आज मन नहीं लग रहा। हाँ उस्ताद। चलो उस्ताद। अरे आओ ना। आज मोर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। ताज आजकल रोज नए कपड़े पहन रहे हो? ये पता नहीं कब से रखे थे, अब पहन लिए तो क्या हो गया? कैसे हो मोर? ओह गरोगा मैडम। हाँ मैं अच्छा हूँ, आप बताओ कैसे? मैं भी ठीक हूँ। आप जो समोसे लाए थे ना, बहुत अच्छे थे। अच्छा आपको पसंद आए? हाँ बिल्कुल। हाँ तो राधे की दुकान भी तो बनते हैं, मैं और मंगा दूंगा। ले आना। अच्छा मेरे को आपसे काम था, एक बार चौकी जरूर आना। चौकी? अब तो मैंने कोई ऐसा काम भी नहीं करा। मुझे कुछ गाँव के विषय में बात करनी है आपसे। तो गाँव के विषय में आप प्रधान से बात करो। प्रधान किसी काम के होते तो बात ही अलग होती। बात है। चलो ठीक है, आना जरूर। आप कह रही हैं तो आ जाएंगे। चलो क्या हूँ? मिस्टर बाल्यान, आप यहाँ पे संभाल लेना, मैं किसी निजी काम के लिए बाहर जा रही हूँ।
रिचा मैडम, मैडम तो गई, वो रील पूरी कर ले क्या? सही कह रहे हो सर, जल्दी आओ जल्दी, रील तो कंप्लीट करनी है, आओ जल्दी। मैं कराऊंगा तेरी आज पक्की यारी। बालियान ले आज यार पानी पी, तेरी मेरी पक्की यारी। पानी छोड़, रील देख। अरे रील क्या देखूं, मैंने खुद खड़े होकर देखे हैं तुम दोनों को, बहुत अच्छी रील बनाई है। अरे क्या यारी पर रील बनाई, ले पानी पी। पानी? अरे तू सुरजीत, अरे तू मरे हुए आदमी को पानी ना दे, तू मुझे पानी देगा? अरे बालियान आज मैं तेरा यार हूँ और हमेशा रहूंगा। तू? अरे यार, अरे तू तो अपने भाई का भाई नहीं होने का, समझ गया? अरे बालियान यार पर भरोसा भी तो कर ले। तेरे पे भरोसा? अरे झूठे से झूठे आदमी भरोसा कर लूंगा, पर तेरे पे भरोसा नहीं करने का। अरे बालियान कभी कर ले। ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हो सर, पानी तो था, पी लिया मैंने। बहुत बढ़िया रील बनी है, लेकिन दिखाओ दिखाओ, दोबारा दिखाओ। हाँ पानी रिचा जी ने पी लिया, ये देखो। हाँ सर सच में बहुत बढ़िया। ये मुझे क्या हो रहा, पेट पेट दर्द। रिचा जी क्या हुआ? रिचा जी क्या था सर? अबे क्या मिला रखा था पानी में, क्या मिला रखा था पानी में? अरे वो जिंदा भी रहेगी या मर जाएगी? छोड़ कुछ ना है? क्या मिलाया था पानी में? मैं कुछ ना, उसका देख ले। उस्ताद मैंने कहा था चौकी चल रहा है। क्यों? अरे मैडम के दर्शन वर्शन हो जाएंगे। अरे मेरे के दर्शन अंधे के? अरे उस्ताद दिल के दर्शन, दिल के दर्शन। अरे चल बकवास कर रहा है। अरे वो मैडम नूबी तो कह रही थी आने मुझे कुछ गांव के बारे में बात करनी। हाँ यार वो तो कह तो रही थी, पर उसे मेरे तक की बात करनी होगी यार गांव के बारे में। अरे वो तो वहीं जाएगा पता चलेगी ना। अरे हाँ उस्ताद, मैंने कल ना कालिया को प्रधान के यहाँ से गोदाम से निकलते हुए देखा था, कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही मुझे। यू प्रधान कुछ साजिश तो नहीं रच रहा? पक्की बात है उस्ताद, मैडम के पीछे जो ना कालिया और उसके दोस्त जो जा रहे थे, कुछ होगा तो ना। किन लिए जा रहे थे वो उस्ताद? मैडम के पीछे पीछे नहर की तरफ जा रहे थे। कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। हाँ। जल्दी चलो चलो उस्ताद, जल्दी चलो चलो, जल्दी बच के उस्ताद। हाँ उस्ताद, अरे तू भगा के ले जाओगे के? अरे तो कहे में चले। अरे उस्ताद तेजपाल के लंडे की बाइक खड़ी है। तो चलो। पर उस्ताद हमसे चलानी तो आती नहीं, चलाएगा कौन? अरे मैं चलाऊंगा ना। अरे फिर तो उस्ताद आप निकल जाओ। अरे आओ ना, रास्ता कौन बताओगा? उस्ताद बनाती हो नहीं बाइक तो। अरे अरे उस्ताद उस्ताद आराम से लियो, बिल्कुल सीधे हाथ तक हूँ, आराम से बिल्कुल आराम से धीरे धीरे लो। मरेंगे। अरे उस्ताद तुम तो आगे को देख लो, मेरे आगे देखने से क्यों रहा, तुम आगे देखो। अरे हम भी देख रहे हैं आगे सीधा। अरे उस्ताद अरे आराम से, आराम से।
चलते रहियो। अरे इतनी तेज मत चलाओ हवाई जहाज उड़ा रहे खा खत आराम से उस्ताद आराम से सीधे सीधे चलो सीधा आराम से मोड़े सीधे हाथ पक मोड़ो सीधे हाथ पक वहां ऐसे हल्के 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 उस्ताद उस्ताद अरे आदमी मार दिया उस्ताद जब अंदर भी मुठ से चला लगे मरना तो है ही है उस्ताद बीच रोड में सड़क टूट हुई है अभी सीधा जम गया सीधा और एक गाय का बच्ची रे सीधा पे और सीधा आप उस्ताद ऐसी अब उल्टे चलो उल्टे काम है ऐसी छोटी मोटी चोटों तक घबराओगे क्या हम अच्छा मेरे साथ चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगी मैडम तुम छोड़ दोगे हमें या हम तुम्हें छोड़ देते हैं चलो कहीं दोबारा कोई हमला ना हो जावे चलो थैंक यू मैं चली जाऊंगी सुनो मैडम तुम्हें पता है गुंडे कौन थे नहीं मैं उनकी जल्दी छानबीन कर लूंगी और कड़ी सजा दिलवाऊंगी मैडम आपके कानून में और मेरे में यही तो अंतर है आपका छानबीन करता और छोड़ देता है मेरा कानून वहीं सजा देता है आजाओ आजाओ हेलो हाँ हो गया काम जी मैडम किसका नाम बताया मैडम प्रधान का अच्छा ठीक है उसे पकड़ के लाओ और हवालात में बंद करो ओके मैडम जय हिंद ओके जय हिंद मैडम जी प्रधान गांव में पंचायत कर रहा क्यों मैडम जी वो हमारे उस्ताद को गांव से निकालना चाह रहा क्यों निकालना चाह रहा है वो मैडम जी प्रधान सारे गलत काम कर रहा है और सबको परेशान कर रहा है एक हमारे उस्ताद ही हैं जो उसके खिलाफ बोल दें और जिस दिन हमारे उस्ताद गांव से निकल गए ना तो प्रधान के खिलाफ फिर कोई ना बोले नू निकलवाना चाह रहा हो ठीक है तुम चलो मैं आती हूँ ठीक है सुरजीत जी गाड़ी निकालो और बालन जी को भी साथ में ले लो जी मैडम भाइयों जैसे कि आप जानते हो कि इस मोर ने गांव का कितना माहौल खराब कर रखा है पूरे गांव में आतंक मचा रखा है और आए दिन इसकी शिकायतें पुलिस थाने में भी जाती हैं और मैं आपको बता दूं कि इसने गांव के कई लोगों को पीट रखा है गांव वालों जैसे कि आप जानते ही हो कि इसने तेजपाल को पीटा लल्लू को पीटा राम सिंह को पीटा और शेर सिंह को तो उसके घर में जाकर पीटा बता दूं अगर ये गांव में रहा तो गांव का माहौल बिल्कुल बिगड़ जाएगा क्योंकि इसके साथ कुछ लोग तो रहकर बिगड़ ही रहे हैं गांव के और भी लड़के बिगड़ सकते हैं और गांव का माहौल खराब हो सकता है आज तक तो इसने केवल गांवों के लोग पीटे हैं मगर आने वाले समय में ये किसी को मार ना दे इसके लिए हमें इसको गाँव से बाहर निकालना होगा गाँव वालों इससे पहले कि गाँव का माहौल इतना बिगड़े कि हम उसे संभाल ही ना पाए उससे पहले हमें इसे गाँव से निकालना होगा गाँव वालों गाँव की खुशहाली के लिए गांव के पंचों को इसको निकालने का निर्णय लेना ही होगा हाँ भाई अंधे तुझे भी कुछ कहना है तुम मुझे अंधा कहते हो
पर मैं तुम्हें अंधा मानता हूं। तुम इस दुनिया को बस देख सकते हो, मैं महसूस कर सकता हूं। तुम वो नहीं देख सकते जो मैं देख सकता हूं। तुम्हें किसी की पीड़ा नहीं दिखाई देती। चलते रास्ते पर कोई बहन बेटी को चाकू से मारता है, तुम बराबर से निकल जाते हो। कोई अपनी लाचार मां को अनाथ आश्रम छोड़ आता है, तुम देखते रहते हो। कोई किसी अबला नारी को पीटता है और दहेज मांगता है, तुम्हें नहीं दिखाई देता। कोई किसी की जायदाद छीनता है, तुम्हें नहीं दिखाई देता। कोई किसी लाचार को सताता है, तुम्हें नहीं दिखाई देता। तुम ऐसी दुनिया को देखते हो जो मैं नहीं देखना चाहता। ऐसी नजरें जो ये सब देखती हैं नहीं चाहिए मुझे। मैं तो ऐसी नजरें चाहता हूं जो मैं देख सकता हूं। और मैं तुम्हें अंधा मानता हूं तो निर्णय खुद ही लो कि तुम अंधे हो या मैं अंधा हूं। मैं तो ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने से ये मत सोचना कि ये सब होना बंद हो जाएगा। ये होना बंद जब होगा जब तुम्हारी आंखें ये सब देखना शुरू कर देंगी, वरना तब तक तुम चाहे सब आंख वाले हो तुम अंधे हो। अजब गजब, गिरफ्तार करो इस अपराधी को। चलो प्रधान जी। सुरजीत, बालियान भूल गया चौकी पर मैंने कितने एहसान किए? प्रधान जी, पुलिस की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बुरी होती हैं, और जो एहसान किए ना इसलिए कॉलर पकड़ के ले जा रहा हूं, वरना घसीटते घसीटते लेके चलता तुम्हें। मोर मोर कौन दरोगा मैडम? हाँ मैं। कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ कहीं दूर, इस गांव को छोड़कर। क्या मैं तुम्हारी आंखें बन सकती हूँ? तुम्हारा साथ दे सकती हूँ जिंदगी भर? जज्बात में ये फैसले मैडम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब जीवन में निभाने पड़ते हैं ना तो बड़ा कष्ट होता है। नहीं, मैंने इमोशनल होकर फैसला नहीं लिया, मैंने आपके बारे में काफी सोचा है। उस्ताद, अगर ये आपकी आंखें हो जाएंगी तो फिर हम क्या हैं? अरे पगलो, तुम तो मेरे हाथ पैर हो, तुम्हारे बिना तो मैं अधूरा हूँ। तेरे टोरा गजब का तू छोरा, यो दिल तेरे पे पागल हो रहा। रे तेरे टोर गजब का तू छोरा, यो दिल तेरे पे पागल हो रहा। तेरे है आगे लागे सारे जीरो है। हाय तू मेरा हीरो है, हाय तू मेरा हीरो है।